दुनिया में हर कोई सही व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी सही व्यक्ति बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल की वीडियो पसंद आया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो है वो ठंड के साथ मजे ले रहे होंगे। आज जयपुर में जो है वो काफी बारिश हो रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है उत्तर भारत के अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको मिल जानी चाहिए। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और CES कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो बोले तो लास वेगास अमेरिका में जो है वो शुरू हो गया है और दुनिया भर के यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी को दिखाया जा रहा है। तो कुछ झलके आपके लेकर आए। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग ग्लोबल जो है वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, लेकिन सैमसंग इंडिया वाले तो बस पूछो मत, सारा का सारा कचरा इंडिया में डंप करते हैं 10,000 रुपए के अंदर 803 वाला फोन निकालते हैं। तो CES 2022 के अंदर जो है सैमसंग ने अपना 55 इंच का ODC आर्क नाम का जो है वो एक क्रिसेंट मून डिजाइन है। आप फोटो देखोगे यहाँ पर तो एक लाइन की तरह ही है, मतलब सब कुछ उस लाइन के अंदर यहाँ पर जो रखा है उसको बोलते हैं ODC आर्क। ये जो है वो एक मॉनिटर है। दूसरी फोटो में भी आप देखते हैं काफी ज्यादा इसको जो है वो कर्व्ड शेप में जो है वो बनाया गया है। और CES में मोस्टली क्या होता है, लोग चीजें दिखाते हैं, प्रोडक्शन में वो नहीं आ पाती है। बहुत बार ऐसा होता है, रोलेबल टीवी हम सुन रहे हैं LG कब आएगा, अभी तक जो है वो नहीं आ पाया है। वहीं अगर बात करते हैं अगर Xiaomi की, तो Xiaomi जो है वो भी एक अंडर डिस्प्ले कैमरा के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो एक फोन बनाने की कोशिश की है जिसमें वो 20 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर जो है वो उनके कुछ लीक शीक में पता लगा है। Xiaomi का 12 अल्ट्रा नाम का फोन भी जो है बहुत ही जल्द आने वाला है। उसकी जो है डमी लीक हुई है। डमी क्या होती है, जब भी कोई फोन बनता है उससे पहले जो है उसकी डमी बनाई जाती है, मेटल का जो है फ्रेम बनाया जाता है, तो किस तरह से उसका डिजाइन बनता है। तो ये उसका जो है एक डमी आप यहाँ पर जो देखते हैं, बैक साइड में जो चक्री कुछ ज्यादा ही बड़ी है और ये सबसे जो है वो बेकार तरह का डिजाइन जो है मुझे लगता है। पर्सनल जो है बता रहा हूँ आपको, नोकिया ने भी इस तरह का डिजाइन निकाला था 8 या 9 कैमरा वाला, वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। प्योर व्यू पता नहीं क्या बोलते थे, इतना बड़ा डायल जब पीछे की तरफ होता है तो बिल्कुल भी एक बढ़िया डिजाइन नहीं माना जाता है मेरी नजर में। आपकी क्या राय है जरूर से बताएगा कि आपको ये बड़े डायल वाला जो रियर में होता है ऐसा डिजाइन पसंद आता है या नहीं आता है। Redmi की जो K सीरीज है, K20, K30 जो आनी शुरू हुई तो काफी पॉपुलर थी। K20 तो काफी पॉपुलर थी, 30 और 40 में इतना कुछ मजा नहीं आया। K40 जो सीरीज है वो फरवरी 2021 में लॉन्च की गई थी। K40, K40 Pro, K40 Pro Plus चाइना के अंदर, इंडिया में जो है धीरे धीरे उड़कते उड़कते आई, लेकिन अब जो है वो फरवरी के अंदर 2022 में K50 सीरीज भी जो है आने वाली है। आप ये पोस्टर जो है देख सकते हैं, इसका जो लॉन्च है वो यहाँ पर बता दिया गया है। और इसमें जो है मोटी बातें होने वाली है कि भैया 120 वाट की जो है चार्जिंग दी जाएगी यहाँ पर, जो कि इसकी एक मोटी हाईलाइट है। बैटरी थोड़ी छोटी होने वाली है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे डायमेंसिटी का 9000 प्रोसेसर उसको यूज किया जाएगा, हालांकि लोग उसको जो है इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है जितनी देनी चाहिए यहाँ पर। और Redmi की जो के सीरीज होती है वो मोस्टली किलर सीरीज बोली जाती है, जो कि गेमिंग वालों यानी गेमिंग के चाहने वालों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। एंकर नाम की कंपनी, अगर आप नाम नहीं सुना तो बता देते हैं, एंकर नाम की कंपनी है, मोस्टली शायद जैपनीज कंपनी है। ये जो है वो पावर बैंक, सॉकेट्स और पता नहीं बहुत सारे कमाल की चीज़ बनाती है। तो इसने जो है वो एक चार्जर बनाया जिसमें 100 वाट का जो है चार्जिंग आउटपुट आपको मिल सकता है। इन्होंने भी जो है CES 2022 में दिखा दिया है। इसमें आपको 2 C टाइप के जो है वो ची सपोर्टेड जो है वो पावर डिलीवरी PD सपोर्ट यानी पावर डिलीवरी वाले जो है मिलेंगे और बाकी जो है वो नॉर्मल वाला मिलेगा। इसके साथ इनके और भी एक प्रोडक्ट है, इनका ये वाला प्रोडक्ट इसको बोलते हैं पोर्टेबल पावर स्टेशन, यानी कि एक पावर बैंक टाइप का भी है। इसको आप उठा करके जो है वो दुनिया जंगल मंगल में जा सकते हैं जहां पर कोई भी मंगल नहीं है, मतलब बिजली नहीं है, तो इससे आप जो है और भी चीजों को पावर कर सकते हैं, टीवी इलेक्ट्रिक फ्रिज को, डिपेंडिंग कि कितना आउटपुट इसे आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो एक सोलर का जुगाड़ भी होता था पहले वाले में, अभी वाले का पता नहीं। इसकी जो कीमत है वो $500 है, जी हाँ डॉलर की है। और एक इनका जो है वो वीडियो कैमरा भी इन्होंने जो है दिखाया है, जो कि डोरबेल वगैरह में काम आता है। रियलमी की बात करते हैं, तो रियलमी का मैं कब से आप कह रहा हूँ कि रियलमी जो है वो धीरे धीरे रेडमी को जो बीट करने वाली है और अब जो है वो आ गई है। रियलमी ने जो है वो 60 मिलियन यूनिट जो है वो सेल किए हैं 2021 के अंदर। कंपनी जो है वो टॉप 5 में आ गई है 21 देशों के अंदर। जी हाँ, 21 मार्केट ऐसे हैं जहाँ पर वो टॉप में आ गई है। और अभी January 4 को उन्होंने जो अपना GD2 सीरीज भी जो अनाउंस कर दी है, तो 5G यहाँ पर है। और इसके अलावा बहुत सारे की जो स्पेसिफिकेशन है, मतलब की उनके जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। और 2022 के अंदर ये लोग जो है वो टारगेट यहाँ पर अपना 50% और एक्स्ट्रा बढ़ाने की, 50% और ग्रो करने की कोशिश करेंगे। Lenovo ने भी अपने जो है वो कुछ लैपटॉप्स यहाँ पर दिखाए हैं CES 2022 के अंदर, ThinkPad Z13, ThinkPad Z16। ये AMD Ryzen के साथ में आने वाले हैं और ये मई 2022 तक मिलेंगे। तो आप देखते हैं Lenovo का जो Z13 है, ThinkPad सीरीज है, वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। पोर्ट्स यहाँ पर कमी है, ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। और जो दूसरी वाली सीरीज है वो भी आप यहाँ पर देखें 16 सीरीज वाली, यानी कि 13 इंच 16 इंच के मोस्टली जो है वो होने वाले हैं। Vivo का V23 और 23 Pro जो है वो लॉन्च हो गया है। V23 आप देखोगे तो मोस्टली जो है एक रेक्टेंगुलर शेप का है, मतलब थोड़ा फ्लैट सरफेस टाइप का, जिससे आईफोन 12 आया था, मतलब देखा आप व्यू ठंडे हुए तो फ्लैट टाइप का आप स्टैंड करोगे तो ये खड़ा भी हो जाएगा। और जो दूसरा वाला V23 Pro है, ये मोस्टली एक कॉपी टाइप का डिजाइन लगता है। ओप्पो का जो रेनो
थ्री या रेनो फाइव आया था, वो भी इस तरह से डिजाइन था, कर्व्ड शेप में था। और अगर आप देखोगे हमारी कोई वीडियो में क्लिप निकाल के तो आपको लगेगा सेम टू सेम है। तो ये डिजाइन में कुछ यहाँ पर नया नहीं है, स्पेसिफिकेशन है, उड़ती उड़ती डाल दी यहाँ पर। डायमेंसी 1200 यूज किया यहाँ पर प्रो में, और 920 यूज किया है 23 के अंदर नॉर्मली। बात करते हैं यहाँ पर रेडमी के नोट 11S की। जी हाँ, ये फोन भी जो है ग्लोबली लॉन्च होने वाला है दुनिया भर के अंदर, फरवरी के अंदर लॉन्च होगा। स्वदेश में तो ये लॉन्च कर ही देते हैं, फरवरी के अंदर लॉन्च करेंगे। तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर, 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलने वाली है, और इसमें आपको जो है छुटकू मुटकू चीजें कुछ और मिल जाएंगे। मतलब मजा नहीं आएगा। मोस्टली क्या होने वाला है, 5G और 5G। जी हाँ, साथ में एक सोनी का कैमरा भी लगा देंगे यहाँ पर, साथ में एक 8 मेगापिक्सल का, एक 2 मेगापिक्सल का भी चिपका देंगे आपको। बस 90 हर्ट्ज, 108 मेगापिक्सल, और क्या मिलेगा, 5G एमोलेड स्क्रीन होगी, LCD, वो आने के बाद ही पता चलेगा। तो बस ये तो थी आज की न्यूज, शॉर्ट स्वीट एंड क्रिस्प, मुझे उम्मीद है बस नहीं होगी। जाने से पहले आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, क्योंकि वो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है, सारी जिंदगी बचाता है, आखिरी में खर्च नहीं कर पाता, तो क्या होता है, दूसरों के लिए छोड़ जाता है। आप बने रहिए और बोलते रहिए परमदा की जय।